thank mm -hmm. you नमस्कार आप देख रहे हैं ट्वेंटी फोर सेवन कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से पहले चरण के पंचायत चुनाव में अव्यवस्था का दिखा आलम बैयर में ब्लैकआउट मोमबत्ती और टाच के उजाले में काम करते रहे कर्मचारी डबल मनी मामले में 29 जून तक टली आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई जिला पंचायत भवन निर्माण के कार्य में खुली अनियमितता की पोल लोकार्पण के एक महीने बाद टपकने लगी छत नगर पालिका के लापरवाही से 12 लाख रुपए के ई रिक्शा हुए कबाड़ तकनीकी कारणों का हवाला दे रहे अधिकारी पंचायत चुनाव में मतदान दल के कर्मचारियों ने खराब खाने पर जताई नाराजगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में डबल मनी के मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराय ने अजय तिड़के सहित 11 आरोपी की जमानत याचिका पर 24 जून को होने वाली सुनवाई टल गई है इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जून को नियत की गई है इन आरोपियों की जमानत याचिका पर यह सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस श्री धर्माधिकारी की अदालत में की जाएगी आपको बता दें कि डबल मनी के मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराय ने अजय तिड़के सहित ग्यारह आरोपी इन दिनों जिला जेल में और न्यायिक अभिषा में तेरह जून से सत्ताईस जून तक बढ़ा दी गई है इन आरोपियों के द्वारा मध्य मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में जमानत याचिका पेश की गई जिस पर सुनवाई 24 जून को होनी थी किंतु किसी कारणवश 24 जून को होने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जून को नियत की गई है या जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस श्री धर्माधिकारी की विद्वान अदालत में की जाएगी मराजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमुनिया नदी में मछली मारने गए एक वृद्ध की इस नदी में डूबने से मौत हो गई मृतक ज्ञान सिंह मेरा भी साठ वर्ष ग्राम बाकीगुड़ा निवासी है जिसके लाश जमुनिया नदी से बरामद की गई प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जून को तीन बजे करीब ज्ञान सिंह मछली मारने के लिए जमुनिया नदी गया था किंतु वह वा घर वापस नहीं लौटा परिजनों और गाँव वालों ने ज्ञान सिंह की खोजबीन की किंतु वह नहीं मिला तेईस जून को सुबह साढ़े बजे जमुनिया नदी में ज्ञान सिंह लाश देखी गई जिसके पैर में जाल फंसी हुई थी संभावना व्यक्त की गई है कि जमुनिया नदी के गहरे पानी में मछली मारते समय ज्ञान सिंह के पैर में जाल फंसने से उसकी नदी में गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई रूपजर थाना के अंतर्गत बैया रोड जगन के पास बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया इस दुर्घटना में ट्रक की जबरदस्त टोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक घायल हो गया घायल युवक धीर से मरावी 26 वर्ष ग्राम कानाटोला चौकी सोनेवानी निवासी है जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जून को दो बजे करीब धीर से मोटरसाइकिल से अपने गांव कानाटोला सोनेवानी से गोंगाटोला हीरापुर हिरापुर बैयर अपने ससरा अलपत्नी को लेने जा रहा था रूपझर से बैय्यर की ओर जाते समय रूपझर से उकुआ के बीच जगनटोला के पास बैयर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार धीरज घायल हो गया जिसे उकुआ के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है बिरसा क्षेत्र के बड़गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति और दो मवेशी की मौत हो गई तेईस जून को यह प्राकृतिक घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति तेज बारिश के दौरान अपने घर के बरामदे में और दोनों मवेशी आंगन में बंधे हुए थे बिरसा पुलिस ने मृतक यशवंत कुर्वे तैतीस वर्ष के लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून की शाम 6 बजे करीब यशवंत कुर्बे अपने घर के सामने बरामदे में बैठा था पत्नी और बच्चे घर के पीछे थे तभी तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से यशवंत की आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई वहीं आंगन में बंधे एक बैल और एक गाय की भी आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई नगर के वेटनरी कॉलोनी परिसर में नए कलेक्टर कार्यालय भवन के पीछे जिला पंचायत का नया भवन बनाया गया है जिसका लोकार्पण हुए एक माह बीत चुका है लेकिन यहाँ अभी तक जिला पंचायत शिफ्ट नहीं हुआ है आपको बता है की नया जिला पंचायत भवन करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है जिसमें अभी काफी निर्माण कार्य होना शेष है इसके बावजूद भी श्रेय लेने की होड़ में समय से पहले ही नए जिला पंचायत भवन का लोकार्पण कर दिया गया पद्मेश ट्वेंटी फोर सेवन की टीम के द्वारा शुक्रवार को नए जिला पंचायत भवन का भ्रमण किया गया तो पाया गया कि यहाँ अभी काफी निर्माण कार्य बचा है रंग रोगन का भी कार्य जारी है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ अभी और पंद्रह से बीस दिन का कार्य शेष है यहाँ कह सकते हैं कि नए जिला पंचायत को यहाँ शिफ्ट होने अभी और एक माह का समय लग सकता है खास बात यह है कि अभी नए जिला पंचायत भवन में रहना भी चालू नहीं हुआ और अभी से इस नए भवन की छत जगह जगह से टपकने लगी है हाल ही में इसका लोकार्पण प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के हस्ते किया गया था जिस तरह से अभी से छत टपकने की समस्या सामने आ रही है निश्चित ही यह भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है इस संबंध में जब निर्माणकर्ता से बात की गई तो उनका कहना है कि इसमें वाटर प्रूफिंग की जा रही है जिसके चलते बाद में छत टपकने जैसी समस्या नहीं आएगी अब देखना होगा कि वाटर प्रूफिंग करने के बाद यह समस्या आती है अथवा नहीं यह भी बताया कि बारिश का मौसम लगभग प्रारंभ हो गया है और आगामी दिनों में तेज बारिश होना है आपको बताया कि वर्तमान में जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत का चुनाव प्रारंभ है आचार संहिता लगने के पूर्व ही नए जिला पंचायत भवन का लोकार्पण हो जाए ताकि इसका श्रेय जिला पंचायत की पुरानी परिषद को मिल सके इसके लिए जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा था कि इस भवन निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण हो यही कारण है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही नए जिला पंचायत भवन का लोकार्पण कर दिया गया था इस संबंध में निर्वाचन एजेंसी पीआईयू के अधीक्षक नियंत्री श्री पटले ने मोबाइल पर चर्चा करने का उनसे प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव में मतदान के दिन निजी एवं किराए के वाहनों के दुरुपयोग को रोकने दिशा निर्देश जारी किए हैं आयोग ने चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थियों को मतदान के दिन केवल दो वाहनों का ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी है इसमें से एक वाहन का इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने लिए कर सकेगा तथा दूसरे वाहन का इस्तेमाल उसका निर्वाचन या अन्य अभिकर्ता कर सकेगा लेकिन इन वाहनों से मतदाताओं को लाया या ले जाया नहीं जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए आवश्यक है कि मतदान के दिन उपयोग में लाए जाने वाले दोनों वाहनों की सूची दो दिन पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर विधिवत परमिट अनुमति प्राप्त कर लिया जाए प्राप्त परमिट को वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अपने पास रखना होगा ताकि किसी भी अधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाया जा सके भरवेली पुलिस ने अनुसूचित जाति के पंद्रह वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक ही परिवार के दो युवक को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार दोनों युवक शेख सलमान उन्नीस वर्ष और मोहम्मद समी कुरैशी तेईस वर्ष दोनों ग्राम सुरबाई थाना भरवेली निवासी है दोनों को यहाँ के विद्यमान विशेष अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को लड़की घर में थी और उसकी माँ और भाई चुनाव प्रचार में गए थे एक बजे करीब जब यह लड़की अपने घर में खाना खाने की तैयारी कर रही थी तभी सलमान घर के अंदर आया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लड़की का मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया इस दौरान सलमान का भाई सम्मी घर के बाहर खड़ा था तभी इस लड़की का भाई आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया दरवाजा नहीं खुलने पर उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया लेकिन आरोपी इस दौरान फरार हो गया पीड़िता की शिकायत पर भरवेली पुलिस ने इस पंद्रह वर्ष की लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शेख सलमान और मोहम्मद समी समीक के विरुद्ध धारा तीन सौ छिहत्तर तीन सौ छिहत्तर डी ए चार सौ पचास भारतीय दंडविधान की धारा तीन अब्लिक चार पाँच ऑब्लिक छः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा तीन ब्रैकेट दो वी तीन ब्रैकेट एक डब्ल्यू आई अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है शासकीय संघ त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय के नियमित व स्वाध्यायी कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 की परीक्षा के लिए आदेश जारी किए गए राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की संशोधित अधिसूचना के अनुसार नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षा के आवेदन पत्र जमा करने की तिथि में सामान्य शुल्क के साथ दिनांक 27 जून 2022 तक वृद्धि की गई है अंतः इस तिथि में अनिवार्य रूप से अपना परीक्षा आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे तथा इस तिथि में जो छात्र छात्राएं परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे बैयर विकास विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम समरिया में सरपंच प्रत्याशी का चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रुपए बांट रहे सरपंच प्रत्याशी के कार्यकर्ता संतलाल मरावी को गांव वालों ने पकड़कर गढ़ी पुलिस के हवाले कर दिया है इस व्यक्ति के विरुद्ध आचार संहिता का उल्लंघन सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर खंड के अंतर्गत गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम समरिया में देवकी मरकाम सरपंच पद प्रत की प्रत्याशी है जिसके कार्यकर्ताओं के द्वारा पंचायत क्षेत्र में सरपंच प्रत्याशी देवकी मरकाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तेईस जून को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शाम पाँच बजे सरपंच प्रत्याशी देवगी मरकाम का कार्यकर्ता संतलाल मरावी के द्वारा ग्राम समरिया में चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए मतदाताओं को रुपए बांट रहा था जिसका विपक्ष के लोगों ने विरोध किया जिन्हें संतलाल मरावी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई तब विपक्षी कार्यकर्ताओं ने संतलाल मरावी को पकड़कर गढ़ी पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए तीन हजार और चुनाव की पर्ची जब्त की ग्रामीण के द्वारा इस घटना की शिकायत राजस्व निरीक्षक बाजार सनी आर्मो से की गई थी राजस्व निरीक्षक श्री आर्मो के द्वारा की गई शिकायत पर गढ़ी पुलिस ने संतलाल मिरावी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है